हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं दिसंबर के पहले हफ्ते का भाग दो आप तक लेकर आऊंगा। मैं शीत अवकाश पर गया था और मैं वापस आ गया हूं, तो फटाफट, क्योंकि 20 तारीख को आरबीआई असिस्टेंट मेंस का पेपर है और आईबीपीएस क्लर्क मेंस का पेपर भी आने वाला है। सारे के सारे करंट अफेयर आपके पास अगले दो दिन के अंदर अंदर आ जाएंगे हिंदी भाषा में। यह है पहले हफ्ते का भाग दो। कल सुबह मैं पोस्ट करूंगा पहले हफ्ते का भाग तीन। हमारे पेनड्राइव कोर्सेज एसएससी बैंक पीओ यूपीएससी और अन्य एग्जाम्स के लिए उपलब्ध हैं। आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं अगर आप इनमें से कोई भी पेनड्राइव कोर्स लेना चाहते हैं। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, हमने सोशियोलॉजी का पेनड्राइव कोर्स और फिलोसॉफी यानी दर्शन शास्त्र का पेनड्राइव कोर्स लॉन्च कर दिया है। फिलोसॉफी का सिर्फ हिंदी में अवेलेबल है, सोशियोलॉजी का हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हर रोज मैं आधा घंटा आप लोगों की क्वेरीज आंसर करता हूं, तो आप यहां पे डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। ये है मेरी आईडी टायरलेस सोल। और ट्विटर पर भी आप बात कर सकते हैं, तो ट्विटर पर मेरी आईडी है गौरव गर्ग 888। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, गुजरात चुनावों से संबंधित इस व्यक्ति का क्या नाम है, देखते हैं कौन बताता है। कौन है ये जो गुजरात में पिछड़े वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, काफी उभरते हुए पॉलिटिशियन है, क्या नाम है इनका। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अभी अभी 18वां अध्याय हॉर्नबिल त्योहार का इनॉग्रेट किया। कौन से राज्य का त्योहार है हॉर्नबिल फेस्टिवल? इस राज्य के गवर्नर हैं पद्मनाभा आचार्य और इस राज्य में इन टान की नेशनल पार्क भी है। यह है नागालैंड, इसकी राजधानी है कोहिमा। और हॉर्नबिल फेस्टिवल का उद्घाटन हुआ किसामा नाम के शहर में। एक और इंपॉर्टेंट बात, इस दिन नागालैंड का 54वां यानी 54th स्टेटहुड डे भी था। कौन सी टीम ने डेविस कप जीता है? देखिए, डेविस कप जो है ये टेनिस में खेला जाता है और दुनिया के सबसे पुराने टूर्नामेंट्स में से है। इसमें बेल्जियम को हराया फ्रांस ने। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पेरिस में 2024 के ओलंपिक खेल खेले जाएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं एन मार्श पार्टी के इमैनुअल मैक्रॉन और बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर है नेटो का। अब आपके लिए आज का पहला सवाल, ब्रुसेल्स में नेटो का हेडक्वार्टर तो है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी है। किस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, नेटो का और किसका, लिख के बताइए कमेंट्स में। तो फ्रांस ने बेल्जियम को हराया फाइनल में और याद रखिए फ्रांस का ये 10वां डेविस कप टाइटल था। हमारी केंद्र सरकार ने अप्रूव कर दिया है एक एमओयू, हम इनमें से कौन से देश के साथ कृषि में और फाइटोसैनिटरी इश्यूज में हम कॉपरेट करेंगे यानी कि आपसी सहयोग करेंगे। हमारे एग्रीकल्चर मंत्री हैं राधा मोहन सिंह जो पूर्वी चंपारण बिहार से सांसद हैं और ये देश है इटली। इटली, इटली की राजधानी है रोम। इटली के प्रधानमंत्री हैं पाओलो जेंटिलोनी और इटली में 53 यानी दुनिया में सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके अलावा इटली की राजधानी रोम में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी है। केंद्र सरकार ने अप्रूव किया इनमें से नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, कितने रुपए के साथ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन पे कितना खर्चा होगा? इसमें होगा 9,046 करोड़ रुपए। हमारे फूड डिस्ट्रीब्यूशन यानी पीडीएस के जो मंत्री हैं वो है रामविलास पासवान। ये हमारे कंज्यूमर अफेयर के मंत्री भी हैं और ये हाजीपुर बिहार से सांसद हैं। याद रखिए ये जो मिशन है ये इसी साल 2017-18 से स्टार्ट हो गया है। और इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट ये है कि हमें जो अंडर न्यूट्रिशन यानी कुपोषण और लो बर्थ वेट यानी जो बच्चे हैं जिनका वजन अपनी आयु के हिसाब से और हाइट के हिसाब से कम है उसको हर साल 2% घटाना है। तो ये टारगेट भी याद रखिए, हर साल 2% घटाना है। हमारी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्री हैं मनेका गांधी जो पीलभीत उत्तर प्रदेश से सांसद हैं। और एक मंत्री और याद रखिए, फूड प्रोसेसिंग, क्योंकि फूड की बात हो रही है, फूड प्रोसेसिंग मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल। इनमें से कौन सा शहर है जहां पे दुनिया का पहला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैंपस बनेगा उन लोगों के लिए जो चल फिर नहीं सकते या जो दिव्यांग हैं उनके लिए? ये बनेगा हैदराबाद में जो तेलंगाना की राजधानी है, हैदराबाद में बनेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने विंध्या नाम की कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी यानी जो गुलामी होती है उसे एबोलिश करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम किस दिन मनाते हैं? इसे मनाते हैं 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर को। और दुनिया में आज भी लगभग 4 करोड़ लोग हैं जो गुलामी के शिकार हैं, यह फिगर दिया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO ने। भारतीय रेलवेज ने राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस के नए डब्बे उनका उद्घाटन करा है। ये प्रोजेक्ट, क्या नाम है इस प्रोजेक्ट का? इसका नाम है स्वर्णा। ये स्वर्ण कोचिज इन्हें कहा जाएगा। हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जो हमारे कोयला मंत्री भी हैं। स्वर्ण कोचिज कहा जाएगा और LED लाइटिंग है, CCTV कैमरे लगे हैं और 35 लाख रुपए की कॉस्ट है इनकी, ये भी याद रखिए।
एचटी लीडरशिप समिट हुआ, हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट हर साल होता है, तो इसका थीम क्या था? इसका थीम था द इररिवर्सिबल राइज ऑफ इंडिया, द इररिवर्सिबल राइज ऑफ इंडिया। इसमें बैरक ओबामा ने भी शिरकत की, ये अपनी ओबामा फाउंडेशन को का प्रचार करने आए थे। मुकेश अंबानी और भी बहुत सारे लोग आए थे यहां पे। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने अभी अभी रुपे सिलेक्ट और रुपे प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? रुपे आप जानते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, और रुपे हमारा खुद का प्लेटफॉर्म है। हम मास्टर कार्ड वीजा की बजाय अब रुपे अपना खुद का प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। तो ये किया कॉरपोरेशन बैंक ने लॉन्च। कॉरपोरेशन बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं जय कुमार गर्ग, और इसका हेडक्वार्टर है मैंगलोर, जिसे मैंगलुरु भी कहते हैं, कर्नाटक के अंदर। इनमें से कौन सा देश है जो अमेरिका में बचा हुआ तेल, जिसे हम बोलते हैं लेफ्ट ओवर पेट कॉक, उसका सबसे बड़ा आयात करने वाला देश बन गया है? और यह इस देश का काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ है कि अमेरिका में जो घटिया क्वालिटी का तेल बच जाता है वो ये देश खरीद रहा है। ये देश है भारत, याद रखिए, भारत अमेरिका से खरीद रहा है विशेष तेल जिसको बोलते हैं शेल ऑयल, और ये अमेरिका से भारत आता है पैराद्वीप बंदरगाह जो ओडिशा के अंदर है। इनमें से पहली सिख महिला मेयर अमेरिका में कौन बनी है, जिन्हें कैलिफोर्निया के यूबा शहर का मेयर बनाया गया है? ये पहली सिख महिला मेयर है अमेरिका की, इनका नाम है प्रीत डिडबाल, प्रीत डिडबाल। और एक बात याद रखिए, नवंबर में रवि भल्ला, ये होबोकन न्यू जर्सी नाम का वहां पे स्टेट है, उसमें होबोकन शहर के मेयर चुने गए थे, ये भी भारतीय हैं, इनका नाम है रवि भल्ला। लेकिन मैं फीमेल की बात कर रहा हूं तो ये है प्रीत डिडबाल। अब आपसे एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता हूं। अमरीका की एक सिख महिला है, उनका नाम था पहले निमरत रंधावा, मैं रिपीट करता हूं, निमरत रंधावा, अभी वो अमेरिका की परमानेंट एम्बेसडर है यूनाइटेड नेशंस में, उनका अब नाम क्या है? क्या आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं? अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ अभी अभी, रिजिलियंट हिंदू कुश हिमालय डेवलपिंग सॉल्यूशंस टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर एशिया, यानी कि हिंदू कुश हिमालय जो पर्वत है उनका हम विकास कैसे कर सकते हैं और सस्टेनेबल उनको कैसे बना सकते हैं, इस पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। ये कहां पर हुआ? ये हुआ नेपाल में। हिंदू कुश एक पर्वतों की श्रृंखला है, ये ट्रांस हिमालयस यानी हिमालयस के ऊपर आती है ये हिंदू कुश। कुछ लोग कहते हैं हिंदू कुश इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो मुगल बादशाह हैं या दूसरे जो मुसलमान बादशाह हैं वो हिंदुओं को मारते थे यहाँ ले जाकर। अलग अलग कहानियां हैं इसके ऊपर। और नेपाल जो है यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की, 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। और अभी अभी नेपाल ने माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो दोबारा नापने के लिए प्रयत्न किया है। और नेपाल में अब नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली वहां पे खड़गा प्रसाद शर्मा ओली बनेंगे, लेकिन देखना होगा कौन बनता है। अगर ओली बने तो भारत के लिए ये बैड न्यूज है क्योंकि ओली जो है ये प्रो चाइना है, चाइना की तरफ इनका झुकाव ज्यादा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उन्हें चेतावनी दी है कि वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 को वायलेट यानी उसका उल्लंघन ना करें। उन्हें कहा है कि वो अपने नाम के अंदर ये वाला शब्द यूज ना करें। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज को नसीहत दी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, कौन सा शब्द यूज ना करें? वो बैंक शब्द का इस्तेमाल ना करें, यह कहा है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। इनमें से कौन सा राज्य है भारत का या केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा क्राइम है? 974.9 है यहां का क्राइम रेट, जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। पूरे भारत का औसत है इससे लगभग 4 गुना कम, यानी 233.6। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपना डेटा रिलीज किया है 2016 के लिए। तो कौन सा है ये? ये है दिल्ली। दिल्ली में है सबसे ज्यादा भारत का क्राइम रेट। लेकिन अगर मैं टोटल क्राइम्स की बात करूं, मैं क्राइम रेट यानी दर की बात कर रहा हूं, अगर टोटल क्राइम की बात करूं तो ऑफकोर्स उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 21 करोड़ है, तो फिर सबसे ज्यादा क्राइम भी उत्तर प्रदेश में होंगे। इनफैक्ट भारत के 9.5% क्राइम जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर हुए। अगर मैं नंबर की बात करूं तो सबसे ज्यादा मर्डर के केसेस हैं उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के केसेस हैं उत्तर प्रदेश में। और ये रिपोर्ट रिलीज करी हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने। अभी अभी तीसरा अध्याय, एक ज्वाइंट आर्मी ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्ट की गई जिसका नाम है अजय वॉरियर। ये कौन से देश के साथ मिलकर हम करते हैं? और ये बीकानेर के अंदर हुई, बीकानेर है राजस्थान के अंदर, तो ये हम करते हैं यूके के साथ, और ये बाई एनुअल होती है यानी 2 साल में। आज के समय में सबसे ज्यादा जो बात होती है वो होती है एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण को लेकर, और इससे साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में मिला के जो कॉस्ट है, वेलफेयर कॉस्ट जिसे कहते हैं, वो है $380 बिलियन। ये वो कॉस्ट है जो एयर पोल्यूशन से लोग मर जाते हैं उनकी कॉस्ट है, वेलफेयर कॉस्ट। इसमें सबसे ज्यादा यानी 220 बिलियन किसका हिस्सा है, यानी ये देश इतना ज्यादा प्रभावित है कि 380 बिलियन की वेलफेयर कॉस्ट में से 220 बिलियन इस देश में है।
तो ये है भारत की, इंडिया। ये रिपोर्ट दी है, इसका नाम है टुवर्ड्स अ पॉल्यूशन फ्री प्लेनेट, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने ये रिपोर्ट दी है। तो भारत की जो ये वेलफेयर कॉस्ट है ये सबसे ज्यादा है। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो चाइना है उसकी वेलफेयर कॉस्ट इससे पहले 2016 में सबसे ज्यादा थी, लेकिन अब भारत की 2017 में सबसे ज्यादा हो गई है, ये भी याद रखना आपको। इनमें से कौन सा स्पेसक्राफ्ट का डॉर्मेंट थ्रस्टर है जिसे नासा ने अभी अभी 37 साल के बाद लॉन्च करा है? इसका नाम है वोएजर 1, और 40 साल के बाद यह स्पेसक्राफ्ट जो है उसे का जो डॉर्मेंट थ्रस्टर मतलब होता है, डॉर्मेंट मतलब होता है सोया हुआ या लेजी या जो इनएक्टिव है, जो उतना एक्टिव नहीं है अभी, जिसको यूज नहीं ले रहे हैं, तो उसको दोबारा लॉन्च करा है वोएजर 1 नासा ने किया है लगभग 40 साल के बाद। ये अकेला ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है जो इंटरस्टीलर स्पेस के अंदर है अभी अभी, और नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। एक और बात इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, इसरो ने सूरज ग्रह के लिए मिशन लॉन्च कर रही है जिसका नाम है आदित्य L1। सूरज ग्रह पे हम कुछ उसको स्टडी करने के लिए सौर अध्ययन करना चाहते हैं, उस मिशन का नाम है आदित्य L1। कितने मेडल भारत ने जीते? 20वें तीरंदाजी की जो प्रतियोगिता हुई बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, भारत ने जीते टोटल 9 मेडल। इनमें हमने 3 गोल्ड मेडल जीते, 4 जीते सिल्वर यानी रजत पदक, और 2 जीते कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। और भारत की तरफ से एक खिलाड़ी का नाम याद रखिए, अभिषेक वर्मा। अभिषेक वर्मा ये हैं, इन्होंने जीते 3 मेडल टोटल। इसके अलावा जो हमारी यूजुअल खिलाड़ी हैं उनका नाम आप याद रख सकते हैं, जैसे बोमबाइला देवी है, लक्ष्मी रानी मांझी है, दीपिका कुमारी है, ये सब एग्जाम में काफी आते हैं। पैलियोंटोलॉजिस्ट वो होते हैं जो फॉसिल्स को स्टडी करते हैं, यानी जीवाश्म को, जो जैसे कोई मान लीजिए पशु मर जाता है, मिट्टी के नीचे दब जाता है, हजारों साल बाद मिलता है, फिर वो इनको बोलते हैं जीवाश्म। तो जीवाश्म को स्टडी करने वाले साइंटिस्ट को बोलते हैं पैलियोंटोलॉजिस्ट। तो उन्होंने एक पहले डायनासोर होता था जिसको बोलते थे टीरोसोर के अंडे खोजे हैं अभी अभी कौन से देश के अंदर? ये खोजे हैं चाइना में खोजे हैं। और टीरोसोर बोलते किसको हैं? ये उन डायनासोर को बोलते हैं जो उड़ सकते थे, यानी जो फ्लाई करते थे, उन्हें बोलते हैं टीरोसोर। अभी अभी जो भारतीय आर्मी है उसकी सदन कमांड की अध्यक्षता की कमांड किसने संभाली है? ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल DR सोनी। और सदन कमांड का हेडक्वार्टर कहां पे है? पुणे। भारत की तरफ से एक हाई लेवल इंटर गवर्नमेंटल मिड पॉइंट रिव्यू मीटिंग हुई एशिया और पैसिफिक कंट्रीज की, इसको बोलते हैं एशियन पैसिफिक डेकेड फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, यानी 2013 से 2022 तक जो दिव्यांग लोग हैं उनके ऊपर ये मीटिंग हुई थी चाइना की राजधानी बीजिंग में, जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी है। भारत की तरफ से कौन गया था? भारत की तरफ से गए थे यहां पे थावरचंद गहलोत। ये कौन है? ये हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्री हैं। और याद रखिए लेबर मंत्री कौन है? श्रम मंत्री, वो है संतोष कुमार गंगवार। भारत को दोबारा चुन लिया गया है इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल में अगले 2 साल के लिए। भारत को दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा वोट मिले। भारत की तरफ से कौन गया था? भारत की तरफ से गए थे वाई के सिन्हा। और एक इंपॉर्टेंट बात, इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके सेक्रेटरी जनरल हैं किटाक लिम। इसका हेडक्वार्टर है लंडन में ही हेडक्वार्टर है एमनेस्टी इंटरनेशनल का, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का है बर्लिन में, एमनेस्टी इंटरनेशनल का है लंडन में, और बहुत और भी कंट्री हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, भारत अकेला नहीं है, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, स्पेन इत्यादि कई हैं। और ये जो फोटो में सज्जन है ये है नितिन गडकरी, ये हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं इनके पास, गंगा की रिजुविनेशन है, वाटर रिसोर्सेज है, रोड ट्रांसपोर्ट, काफ़ी डिपार्टमेंट है नितिन गडकरी के पास, ये नागपुर से लोकसभा सांसद हैं। किसे अभी अभी वर्ल्ड यूथ वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो गुवाहाटी में हुई थी इसमें बेस्ट बॉक्सर का खिताब मिला? बेस्ट बॉक्सर कौन है? इनका नाम है अंकुशिता बोरो, ये असम की हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है। इसके अलावा भारत की और भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, नीतू हैं, ज्योति हैं, साक्षी, शशि चोपड़ा इत्यादि। और ये जो हुई थी इसमें गप्पी नाम का वन हॉर्न राइनो था मैस्कॉट, और मैरीकॉम थी यहाँ की ब्रांड एम्बेसडर। इसके अलावा 2 खिलाड़ी और हैं, नेहा यादव और अनुपमा, उन्होंने जीते कांस्य पदक। 23वां मैडम टुसॉल्ड्स वैक्स म्यूजियम, ये कहां पे खुला है? अभी यहां पे जो प्रसिद्ध लोग हैं उनके मोम के पुतले बनाए जाते हैं, उनको दर्शाया जाता है, यहां पे 50 पुतले बनाए गए हैं, ये खुला है नई दिल्ली के अंदर। दिल्ली सरकार ने अपना चीफ सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया है, किसे अपॉइंट किया है? इनका नाम है अंशु प्रकाश।
और ये रिप्लेस करेंगे मिस्टर एम एम कुट्टी को, और दिल्ली के गवर्नर हैं अनिल बैजल। हमारा जो रक्षा मंत्रालय है उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस वीक मनाया अभी अभी, ये कब से कब तक मनाया, ये मनाया गया 1 दिसंबर से 7 दिसंबर, और हमारे रक्षा मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। पाकिस्तान में लॉ मिनिस्टर यानी वहां के कानून मंत्री कौन थे जिन्होंने अभी अभी इस्तीफा दे दिया है, इनका नाम है जाहिद हमीद, जाहिद हमीद। इनमें से कौन सी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुराष्ट्रीय संस्था है जिसने एक ड्राफ्ट पैक्ट बनाया है, एग्रीमेंट करा है जिससे कोस्टल ट्रेड यानी तट के थ्रू जो व्यापार होता है और शिपिंग उसमें आपसी सहयोग हो सके, ये बनाया है बिम्स्टेक कंट्रीज ने, बंगाल की खाड़ी के आसपास जो देश है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव और मल्टी सेक्टोरल जो कॉरपोरेशन है उसको बोलते हैं बिम्स्टेक, और इसमें कई कंट्री हैं जैसे बांग्लादेश है, भूटान है, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भारत, टोटल कितने हो गए 7 देश। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन NCERTC ने एक एग्रीमेंट साइन करा है ADIF के साथ, ये मिलकर टेक्निकल कॉपरेशन करना चाहते हैं अर्बन ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में। अब आप ये बताइए कि जो ADIF है ये रेलवे की आधारिक संरचना का विकास करता है, ADIF कौन से देश की संस्था है, ADIF है स्पेन की। आपको याद होगा स्पेन से हम एक ट्रेन भी खरीदना चाहते थे टाल्गो, पर हमने वो कैंसिल कर दिया, अब हम टाल्गो नहीं खरीद रहे हैं, ये भी याद रखिए। और ये जो NCERTC ये क्या है, ये केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली की सरकार के बीच में मिलकर एक आपसी सहयोग का एक जॉइंट वेंचर है। हमारी जो केंद्र सरकार है उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन और फैसिलिटेशन ट्रीटी साइन करी है कौन से देश के साथ, यानी पूंजी निवेश, जो विदेशी पूंजी निवेश FDI वगैरह है या निवेश बढ़ाने के लिए ये की है, कौन से देश के साथ की है, ये की है हमने ब्राजील के साथ। मिशेल टमेर है यहाँ के प्रेसिडेंट, ब्राजीलिया है राजधानी, रियो डी जेनेरो एक इंपॉर्टेंट शहर है जहां पे पिछले ओलंपिक खेल हुए थे और पिछला फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप भी हुआ था। अगले ओलंपिक खेल टोक्यो में 2020 में है, अगला फुटबॉल कप 2018 में रशिया में है। भारत ने अभी अभी एक द्विपक्षीय यानी बाइलेटरल एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट साइन किया है किस देश के साथ, हमने ये साइन किया है नेदरलैंड के साथ। नेदरलैंड को हम हॉलैंड भी बोलते हैं, इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम, और यहाँ पे दलवीर भंडारी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है द हेग में, उसमें भारत की तरफ से दोबारा चुने गए थे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में होते हैं 15 जज। अब आपके लिए आज का तीसरा सवाल, और ये डिफिकल्ट सवाल है, दलवीर भंडारी भारत की तरफ से चुने गए, इन्होंने इंग्लैंड के कौन से जज को चुनाव में हराया, क्या आप उनका नाम बता सकते हैं, इंग्लैंड के कौन से जज को हराया इन्होंने, देखते हैं कौन बताता है। ग्रैंड चैंपियन ऑफ 2017 ग्लोबल इनोवेशन थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैटलिस्ट पिच कंपटीशन हुआ था ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट जो हैदराबाद में हुई थी, यहां पे डोनाल्ड ट्रंप की बेटी भी आई थी इवांका ट्रंप, इसमें ग्रैंड चैंपियन का ये अवार्ड किसे मिला है, ये टाइटल किसे मिला है, ये मिला है अजयता शाह को। अजयता शाह क्यों मिला है, क्योंकि इनकी कंपनी है जिसका नाम है फ्रंटियर मार्केट्स, ये एनर्जी के अंदर काफी अच्छा काम करती है इसलिए इन्हें मिला है। इसके अलावा इन्हें कॉग्निजेंट की तरफ से जेनेसिस अवार्ड भी मिला है, इनका नाम है अजयता शाह। प्रसार भारती के नए चेयरमैन कौन बने हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनका नाम है ए सूर्य प्रकाश, पहले भी यही थे दोबारा चुन लिए गए, तो इनका सेकेंड टर्म है ये। और प्रसार भारती आप जानते हैं ये सूचना प्रसारण मंत्रालय के तहत काम करता है, जिसकी मंत्री है स्मृति ईरानी। इनमें से कौन सा देश है जिसने एक प्लान बनाया है कि वो इंडिपेंडेंट इंटरनेट बनाएगा ब्रिक्स कंट्रीज के लिए अगस्त 2018 तक, ये अनाउंस करा है अभी अभी रशिया ने। रशिया कहता है कि जो दूसरे देश हैं ब्रिक्स के अलावा वो इसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे, इस तरह का एक स्वतंत्र इंटरनेट ये बनाएगा। जेनी किम, इन्हें मिला है मिस सुपर नेशनल 2017 का खिताब, ये कौन से देश से हैं जेनी किम, जेनी किम है दक्षिण कोरिया से, इसकी राजधानी सियोल है, यहां के राष्ट्रपति हैं मून जाए इन। एक इंपॉर्टेंट बात, ये इन्हें जो ताज पहना रही है ये कौन है, ये पिछले साल की मिस सुपरा नेशनल है, पिछले साल की, और ये भारत की है, इनका क्या नाम है, इनका नाम है श्रीनिधि शेट्टी। इसके अलावा मिस जो वर्ल्ड है ये भी इस बार भारत की बनी है मानुषी छिल्लर, तो ये भी याद रखिए। इसके अलावा जो मिस यूनिवर्स बनी है वो दक्षिण अफ्रीका की बनी है, साउथ अफ्रीका की, और एक खिताब मिला है मिस इंटरनेशनल का मिस इंडोनेशिया को, तो ये सब अलग अलग 4 देश हैं जिनके आपको याद रखने हैं। कौन सा देश है जिसने डेंगू इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि जिस दवाई से ये टीकाकरण करना चाहता था डेंग वैक्सिया, सनोफी कंपनी ने बनाई है ये दवाई, उसके लिए इसे वार्निंग मिली है, तो ये देश कौन सा है, ये है फिलीपींस, और ये डेंगू के लिए पहली दवाई है दुनिया में। डेंगू का कोई इलाज नहीं है दुनिया में, सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे अगर
डेंगू फैलता है एडीस इजिप्टी मच्छर के काटने से। वैसे तो वायरस से फैलता है लेकिन ये वायरस ये मच्छर लेके उड़ता है एडीस इजिप्टी, और इसमें प्लेटलेट्स भी कम हो जाते हैं बॉडी में, और फिर सपोर्टिव ट्रीटमेंट करते हैं डॉक्टर, यानी प्लेटलेट्स वगैरह चढ़ाते हैं, फीवर कम करते हैं, घुटनों में दर्द या जो दूसरे जॉइंट्स पेन होता है उसे कम करते हैं, लेकिन कोई इलाज नहीं है इसका। रिकवरी जो होती है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के थ्रू की जाती है। तो इसलिए सनोफी ने अनाउंस करा कि हमने दवाई बनाई है जिसका नाम है डेंगवैक्सिया, और इसे फिलीपींस ने अपनाया लेकिन फिर इन्होंने अब मना कर दिया है। इनमें से किसे अपॉइंट किया गया है चेयरमैन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड का? ये इनका नाम है डी के सर्राफ, और डी के सर्राफ आपको कहीं सुना हुआ लगता होगा, बिल्कुल, ये ONGC के पूर्व चेयरमैन है, अभी है शशि शंकर, इससे पहले थे डी के सर्राफ, ये पूर्व ONGC के चेयरमैन है। पहले इंटरनेशनल कैप्टन कौन है जिन्होंने 3 लगातार शतक बनाए 3 टेस्ट सीरीज में, 3 सक्सेसिव 100s इन 3 टेस्ट सीरीज? ये है विराट कोहली। अभी इन्होंने अनुष्का शर्मा से शादी करी है। क्या आप बता सकते हैं इटली के कौन से शहर में शादी करी है? उस शहर का नाम टी से स्टार्ट होता है। चलिए देखते हैं कौन बताता है। आदर्श सीन आनंद, इनका निधन हो गया। ये बहुत ही मशहूर क्या थे, ये भारत के 29वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, यानी मुख्य न्यायमूर्ति थे भारत के। सो आंसर है इसका, ही वॉज अ जज या जूरिस्ट। मशहूर एक्टर कला भवन अभी, इनका निधन हो गया। ये कौन सी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर थे? कला भवन अभी, ये थे मलयालम फिल्मों के एक्टर। मलयालम केरल की भाषा है और खासकर मिमिक्री के लिए जाने जाते थे। वैसे शशि कपूर का भी निधन हुआ है। नीरज वोरा जो बहुत सारी फिल्मों में एक्टिंग करते थे उनका भी निधन हो गया है। नीरज वोरा, इनका नाम याद रखिए, रंगीला और खिलाड़ी 420, कई फिल्मों में काम किया है, एक्टिंग भी, डायरेक्टर भी थे, तो दोनों का नाम याद रखिए, शशि कपूर और नीरज वोरा। कौन से मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अभी अभी जय किसान ऐप का विमोचन किया, उसको लॉन्च किया? ये जो ऐप है ये एडवेंट्स ग्रुप ने बनाई है। तो ये है यहाँ पे, आप इनको पहचान गए होंगे, भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और अभी गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पारिकर, मनोहर पारिकर ने। कौन से राज्य की सरकार है जिन्होंने अनाउंस करा है कि वो एक इनोवेशन हब बनाएंगे जिसका नाम है वी हब, 15 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया जाएगा। ये वहां पे नई जो इनोवेशन है, तकनीक विकास अनुसंधान, उसमें मदद करेगा ये फंड। ये अनाउंस करा है तेलंगाना की सरकार ने। इससे पहले तेलंगाना का एक और इनोवेशन हब है जिसे बोलते हैं टी हब, ये मेनली स्टार्टअप्स के लिए है, टी हब, और अब एक और बनाएगी जिसका नाम है वी हब। 46वां इंडियन नेवी डे मनाया गया, तो किस दिन बनी थी इंडियन नेवी, भारतीय जो जल सेना है, 4 दिसंबर, और ये इसी दिन क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमने लॉन्च किया था ऑपरेशन ट्राइडेंट, और ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या था, पाकिस्तान के कराची को हमने उड़ा दिया था, हमारी नेवी ने बुरी तरह से धराशायी कर दिया था 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में, तो उस दिन को हम मनाते हैं। इस दिन हमारी इंडियन नेवी ने पाकिस्तान नेवी का हेडक्वार्टर जो कराची में है वो उसको धराशायी कर दिया था। कराची में एक मशहूर बीच है जिसको बोलते हैं क्लिफ्टन बीच, पूछ सकते हैं एग्जाम में, और कराची राजधानी है सिंध की और पंजाब की राजधानी है लाहौर। एकमात्र भारतीय कौन है जो फॉर्च्यून की बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर लिस्ट में आए हैं? ये जो लिस्ट है ये 20 हेड ऑफ कंपनीज हैं इसके अंदर, तो इसमें एकमात्र इंडियन कौन है, इनका नाम है आदित्य पुरी। और आदित्य पुरी कौन है, HDFC बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आदित्य पुरी, तो ये 18वीं पोजीशन पे आए हैं। अगर पूछ लें कि भाई नंबर वन पे कौन है, नंबर वन पे है नवीडिया कंपनी के जेनसन हुआंग, ये हैं नंबर वन पे। अगर मैं इंडियन अमेरिकन की बात करूं, यानी भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति, तो उसमें भी एक है अजय पाल बांगा जो मास्टर कार्ड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है, 6ठी प्लेस में है, और शांतनु नारायण जो एडोबे कंपनी के हैं ये 14th पोजीशन पे है। पहला भारत न्यूजीलैंड साइबर डायलॉग हुआ, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में कहां पे हुआ, न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री है वो है जैकिंडा आर्डन, सिर्फ 37 साल की है और न्यूजीलैंड के इतिहास में सिर्फ 3री महिला प्रधानमंत्री है ये जैकिंडा आर्डन, राजधानी है वेलिंगटन। ये मनाया गया नई दिल्ली के अंदर, ये जो डायलॉग हुआ नई दिल्ली में हुआ, और अगला होगा न्यूजीलैंड के अंदर 2018 में। भारत की तरफ से इसमें कौन गया था, एडिशनल सेक्रेटरी गए थे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के संजय कुमार वर्मा, और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो हैं सुषमा स्वराज। कौन सा देश है जिसे एक अवार्ड मिला है, एक सर्टिफिकेट मिला है, इन्होंने इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को रोकने के लिए, यानी जो अवैध जानवरों का व्यापार होता है उसे रोकने के लिए काफी अच्छा काम किया है, ये अवार्ड इन्हें मिला जो साइट्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी, यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। फौना बोलते हैं हम जानवरों को, फ्लोरा बोलते हैं हम पौधों को, तो फ्लोरा और फौना को बचाने के लिए जो साइट्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी, लुप्त प्राय
प्रजातियों को बचाने के लिए, उस पर अच्छा काम किया है। ये अवार्ड मिला इंडिया को, इंडिया को मिला है ये, और भारत में मिला है ये वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को, WCCB। कौन से ऑपरेशन के लिए मिला है? ऑपरेशन सेव कर्मा के लिए, ये भी याद रखिए, ऑपरेशन सेव कर्मा। और इसका हेडक्वार्टर कहां है साइट्स का? जेनेवा। प्लैनेट लैब्स इंक ये कंपनी है, इसने अनाउंस करा है कि वो 4 अपने डव सैटेलाइट छोड़ेगी। ये कौन से रॉकेट के ऊपर लाद के इन सैटेलाइट्स को छोड़ेगी अंतरिक्ष के अंदर? ये छोड़ेगी PSLV-C40 रॉकेट का इस्तेमाल करके। ये वैसे किसका रॉकेट है? बड़ा फेमस रॉकेट है ये, भारतीय इसरो का। इसरो के चेयरमैन एस किरण कुमार है, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और चाइना का एक रॉकेट है जिसको बोलते हैं लॉन्ग मार्च। उस चक्रवात का क्या नाम है, साइक्लोन का, जो अभी अभी भारत के दक्षिण राज्यों को जिसने प्रभावित किया? इसका नाम है ओखी। कौन किसको प्रभावित किया? तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप आइलैंड को। लक्षद्वीप आइलैंड कहां पे है? ये है अरब सागर में, अरेबियन सी में। और अंडमान निकोबार कहां पे है? बंगाल की खाड़ी में। और ये काफी ज्यादा तीव्र था, इसमें 155 लगभग किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो विंड्स हैं वो आए। भारत ने अभी अभी एक MOU साइन करा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कौन से देश के साथ? ये देश भारत की मदद करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज, मेडिकल एजुकेशन और अनुसंधान में आपसी सहयोग के लिए। ये देश है इटली। इनमें से कर्नाटक की नई चीफ सेक्रेटरी कौन बनी है? कर्नाटक जो है इसकी राजधानी बेंगलुरु है, सिद्धरमैया मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, और इनका नाम है रत्ना प्रभा। रत्ना प्रभा सुभाष चंद्र खुंटिया की ये जगह लेंगी। एक इंपॉर्टेंट सवाल और आ सकता है कर्नाटक से, कर्नाटक के इतिहास में उनकी पहली DGP कौन बनी है? DGP आप जानते हैं सबसे ऊंची पुलिस का पद होता है एक राज्य में, इनका नाम है नीलामणि राजू बनी है पहली महिला DGP कर्नाटक की। इनमें से कौन सा देश है जिसने एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करा है जिसका नाम है हवासोंग 15? इसको लॉन्च करा नॉर्थ कोरिया ने, और ये एक और अमेरिका की तरफ इशारा है। और नॉर्थ कोरिया ने पहले गुआम आइलैंड को उड़ाने की धमकी भी अमेरिका को दी थी। गुआम आइलैंड जो है अमेरिका का मिलिट्री बेस है। इनमें से कौन सी एक्ट्रेस हैं जिन्हें UN एनवायरमेंट गुडविल एम्बेसडर बनाया है भारत के लिए? ये है दिया मिर्जा, जो एक वक्त मिस एशिया पैसिफिक भी रही। कौन से राज्य के पर्यटन मंत्री अशोक चंद्र पांडा ने कोणार्क फेस्टिवल का उद्घाटन करा? ये कौन से राज्य के हैं अशोक चंद्र पांडा? ये हैं ओडिशा के। और ये उद्घाटन जो इन्होंने किया कोणार्क के मशहूर सूर्य मंदिर सन टेम्पल के अंदर किया। इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने एक त्यौहार, एक मिशन लॉन्च करा है जिसका नाम है टेंडू लीव्स बोनस त्यौहार? जो नक्सलवादी एरिया है इस राज्य के, उनमें जो टेंडू लीव्स को कलेक्ट करते हैं उन पर सरकार 274 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं ये डॉक्टर रमन सिंह। इंद्रावती नेशनल पार्क है इस राज्य में, कांगर घाटी नेशनल पार्क है यहाँ पे, गुरु घासीदास नेशनल पार्क है यहाँ पे। ये राज्य है छत्तीसगढ़, इसकी राजधानी है नया रायपुर। शादिया, इनका निधन हो गया, ये किस चीज से एसोसिएटेड थी? ये इजिप्ट की एक्ट्रेस थी, इजिप्ट देश की, जहां पे तहरीर स्क्वायर है, कैरो राजधानी है, मिस्र बोलते हैं इसे, यहां पे पिरामिड्स हैं, नील नदी है। तो ये एक्ट्रेस थी, तो आंसर है फिल्म इंडस्ट्री, और ये सिंगर भी थी। उस मिशन का क्या नाम है जिसे हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री ने, यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अनुप्रिया पटेल है ये, वैसे हमारे मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर है JP नड्डा, इन्होंने लॉन्च करा है। ये उन लोगों के लिए है जो HIV पॉजिटिव है, HIV इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस को बोलते हैं, उससे प्रभावित हैं, और ये एड्स का शिकार ना हो इसके लिए किया है। ये अब एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी इन्हें दी जाएगी जिससे ये बच सके एड्स से। सो इस मिशन का नाम है संपर्क। एक बात याद रखिए, भारत ने एक टारगेट रखा है, और वो टारगेट क्या है? हम एड्स को खत्म कर देंगे भारत से 2030 तक। ये टारगेट है कि 2030 तक खत्म कर देंगे एड्स को, 2027 तक खत्म कर देंगे मलेरिया को, और 2025 तक खत्म कर देंगे ट्यूबरकुलोसिस को। अगला सवाल, श्री रूप बोस मुखर्जी ये कौन से खेल से एसोसिएटेड थी? ये क्रिकेट से एसोसिएटेड थी, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ये कोच भी थी एक समय में, और कमेंटेटर भी थी। सो आंसर है क्रिकेट। भारत ने 500 मैट्रिक टन चावल कौन से देश को भेंट किया है? अभी 500 मैट्रिक टन चावल कौन से देश को भेजा है हमने? ये भेजा है लेसोथो को, लेसोथो। और लेसोथो की राजधानी क्या है? मसेरू। क्यों भेजा है लेसोथो को? क्योंकि इस देश में अकाल पड़ा हुआ है, यहां पे खाने की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी, उन्होंने अभी अभी छाबार जो बंदरगाह है उसका एक भाग उसका उद्घाटन करा। ये कहां पर है? ये छाबार बंदरगाह पर्शियन गल्फ में है, स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब में है, गल्फ ऑफ ओमान या गल्फ ऑफ एडन,
ये है गल्फ ऑफ ओमान में, गल्फ ऑफ ओमान। देखिए आपको एक चीज बता देता हूं, जो छाबार बंदरगाह हमने बनाया भारत ने, इसमें दो बंदरगाह हैं, एक का नाम है शहीद कलंतरी और दूसरे का नाम है शहीद बेहेश्ती। तो अभी जो इन्होंने उद्घाटन करा है वो शहीद बेहेश्ती का करा है। इनमें से किस व्यक्ति को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का डायरेक्टर जनरल यानी कि चीफ और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है? इनका नाम है सुनील कुमार चौरसिया। 2017 का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया दिव्यांगों के लिए, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। ये 3 दिसंबर को मनाया गया। अब ये बताइए इसका थीम क्या था? इसका थीम था ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एंड रिजिलियंट सोसाइटी फॉर ऑल। और ये 1992 में स्टार्ट हुआ था, 1992 में ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने स्टार्ट किया था, ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एंड रिजिलियंट सोसाइटी फॉर ऑल। किसने अपनी पहली नॉवल लिखी है अंग्रेजी में जिसका नाम है टू? ये लिखी है गुलजार साहब ने। जनरली ये उर्दू में लिखते हैं और ये वाली जो नॉवल है ये भी पहले उर्दू में लिखी गई थी, लेकिन अब इन्होंने अंग्रेजी में भी लॉन्च कर दी है जिसका नाम है टू। मशहूर स्वतंत्रता सेनानी सरस्वती त्रिपाठी का निधन हो गया। ये कौन से राज्य से थी? ये ओडिशा से थी और इन्होंने महात्मा गांधी से भी ये मिली थी, बरबोई आश्रम जो उड़ीसा में पुरी के अंदर है। उड़ीसा में याद रखिए पाई का विद्रोह हुआ था 1817 में, जो भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता के लिए जंग, जिसे हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अभी अभी घोषित कर दिया है, पाई का विद्रोह 1817। भारत ने एक एग्रीमेंट करा है इनमें से कौन से देश के साथ कि ये दोनों मिलके फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन क्रिटिकल सी लेन, यानी कि कहने का मतलब कुछ ऐसे समुद्री रास्ते हैं जहां पर मतभेद की संभावना ज्यादा है, वहां पर मतभेदों को कम करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन करा है। कौन से देश के साथ? ये देश है सिंगापुर। सिंगापुर और भारत एक एक्सरसाइज भी करता है सिंगापुर के साथ जिसको बोलते हैं सिम्बेक्स। सिंगापुर के जो ली सियन लुंग है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं हालिमा याकूब। डिफेंस प्रोडक्शन के नए सेक्रेटरी कौन बने हैं रक्षा मंत्रालय में? इनका नाम है अजय कुमार, अजय कुमार। इनमें से किसने कांस्य पदक जीता इंडोर आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 जो बैंकॉक में हुआ, बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। इनका नाम है दीपिका कुमारी। ये एकमात्र मेडल इन्होंने ही जीता है। 2017 का वर्ल्ड एड्स डे जो 1 दिसंबर को मनाया गया, इसका थीम क्या था? इसका थीम था माई हेल्थ माई राइट। इंफोसिस कंपनी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बने हैं? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इंफोसिस भारत की दूसरी सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी है। इनका नाम है सलिल पारेख, सलिल पारेख। और चेयरमैन कौन है इंफोसिस के? नंदन निलेकनी, नंदन निलेकनी। कितनी पेनल्टी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने लगाई है बीसीसीआई के ऊपर क्योंकि ये अपनी अपने जो अधिकार हैं उनका मिसयूज कर रहे थे? ये इन्होंने लगाई है 52 करोड़ रुपए की पेनल्टी, 52 करोड़ 24 लाख रुपए की। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? देवेंद्र कुमार सिकरी, डीकेएस। देवेंद्र कुमार सिकरी है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है विनोद राय। इनमें से कौन सी भारत की सेना है जिसने अपना 52वां रेजिंग डे मनाया 1 दिसंबर को? यह है सीमा सुरक्षा बल, जिसे बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है इस वक्त? के शर्मा। ये 1 दिसंबर 1965 को बनी थी। इनमें से कौन सी भारत की फिल्म है जिसे फाउंडर्स अवार्ड मिला है सस्टेनेबिलिटी के लिए? टीवीई ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड जो लंदन में हुए वहां पे मिला है। ये मिला है लिपस्टिक अंडर माई बुर्का को। और इस फिल्म को डायरेक्ट किसने किया है? अलंकृता श्रीवास्तव ने किया है, अलंकृता श्रीवास्तव। इस बार ऑस्कर में हमारी एंट्री है न्यूटन, जिसे डायरेक्ट करा है अमित मसूरकर ने। भारतीय आर्मी ने इनमें से कौन से राज्य के साथ एक एग्रीमेंट साइन करा है? अब ये जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर है वहां पर जो पोस्ट है उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करेंगे। भारत जो है उसके 4 राज्य हैं जिनका पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है, यही 4 है जो यहां पे आप देख सकते हैं। भारत में पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर है राजस्थान का, तो ये साइन हुआ है राजस्थान के साथ ही। इनमें से 22वां जो बोर्ड मीटिंग हुआ स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम का SFAC का, उसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता की हमारे कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने। गोल्ड मेडल अभी अभी किसने जीता? एशियन ल्यू चैंपियनशिप जो जर्मनी के आल्टनबर्ग शहर में हुई, ये जीता शिव केशवन ने। और याद रखिए 2018 में दक्षिण कोरिया में होंगे विंटर ओलंपिक्स, उसमें शिव केशवन भारत को रिप्रेजेंट करेंगे ल्यूज खेल में। ल्यूज खेल का नाम है
और ये दक्षिण कोरिया में कहां पर होंगे, ये होंगे प्योंगचांग में। अब बहुत बड़ी संभावना है आप इसको कंफ्यूज कर देंगे प्योंगयांग के साथ, ये ऑप्शन में जरूर मिलेगा। देखिए प्योंगयांग ये नॉर्थ कोरिया की राजधानी है और प्योंगचांग दक्षिण कोरिया का वो शहर है जहां पे 2018 के विंटर ओलंपिक्स खेले जाएंगे, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे यानी कंप्यूटर साक्षरता दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कब किस दिन मनाया गया, ये 2 दिसंबर को मनाया गया। इनमें से किसने उद्घाटन करा एक बहुत ही आधुनिक और विचित्र हॉस्पिटल स्वामी नारायण गुरुकुल विद्यापीठ प्रतिष्ठानम अहमदाबाद के अंदर, इसका उद्घाटन करा श्री नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने। और ये जो हॉस्पिटल है ये योगा आयुर्वेद एलोपैथी सबको कंबाइन करेगा। रक्षा मंत्रालय ने कितने नेवल कम्युनिकेशन सेट खरीदने का निर्णय लिया है, टोटल 490 करोड़ रुपए की लागत से ये खरीदेगी 260 सेट। इनमें से कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर किसे अनाउंस करा है, ये वर्ड है पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म, पॉपुलिज्म मतलब क्या होता है, इस तरह की विचारधारा को बढ़ावा देना जो ज्यादातर लोग जिसे मानते हो उसको बोलते हैं पॉपुलिज्म। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट जिसे बोलते हैं USAID, इन्होंने अनाउंस करा है एक डेवलपमेंट इंपैक्ट बॉन्ड जिसका नाम रखा है उत्कृष्ट इंपैक्ट बॉन्ड। ये कौन से राज्य के साथ मिलकर शुरू करा है, ये उत्कृष्ट इंपैक्ट बॉन्ड, ये बॉन्ड राजस्थान के साथ मिलकर स्टार्ट करा है। वसुंधरा राजे यहाँ की मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के गवर्नर हैं कल्याण सिंह। एक बात याद रखिए, ये हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव करने के लिए किया है ये बॉन्ड लॉन्च राजस्थान के अंदर। किसने उद्घाटन करा, अभी अभी 7वां अध्याय हुआ, 3 दिवसीय कथाकार अंतर्राष्ट्रीय स्टोरी टेलर्स फेस्टिवल नई दिल्ली के अंदर, ये किया किरण रिजिजू ने। ये अरुणाचल प्रदेश के हैं, किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश में है, माउलिंग नेशनल पार्क और नाम डफ नेशनल पार्क, ईटानगर राजधानी है। हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जो भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने अभी अभी दीनदयाल दिव्यांगजन सहज्य स्कीम का उद्घाटन करा, ये कौन से राज्य में करा, ये है इस राज्य के मुख्यमंत्री, इनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, ये है असम और गुवाहाटी में इन्होंने ये उद्घाटन इसका किया। ये स्कीम बेसिकली ये है कि असम राज्य में कोई भी व्यक्ति जो दिव्यांग है उसे 5,000 रुपये मिलेंगे एक बार अपनी ट्रीटमेंट के लिए। हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी जिसे हम बोलते हैं हेफा ने कितने प्रोजेक्ट अप्रूव करे हैं, हेफा ने प्रोजेक्ट अप्रूव करे हैं 2,066 करोड़ रुपए की लागत से, कितने इंस्टीट्यूट में किए हैं ये बताइए, ये इन्होंने किए हैं 6 इंस्टीट्यूट में। और ये जो 6 हैं ये कौन कौन से हैं, IIT बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, खड़गपुर, कानपुर और NIT सूरतकल। NIT सूरतकल है कर्नाटक में। भारत की 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडस्ट्री हैं, अक्टूबर के मंथ में उनमें कितना वृद्धि हुई, ये अभी अभी रिपोर्ट आई है, ये हुई 4.7%, ये मार्च 2017 के बाद सबसे ज्यादा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो 6 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, 6ठी बार, JDU पार्टी के हैं, भाजपा के साथ गठबंधन है, इन्होंने केंद्र सरकार को कहा है कि ये इनमें से कौन से महान व्यक्ति का जन्मदिन वो मनाए हर साल, 3 दिसंबर को इनका जन्मदिन मेधा दिवस यानी मेरिट डे के तौर पे मनाए, ये कहा है नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्मदिन मनाने के लिए कहा है इन्होंने, ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये बिहार में सिवान डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 को, भारत रत्न भी इन्हें मिल चुका है। भारत ने एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कौन से देश में शुरू करा है रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ये देश है साउथ सूडान। साउथ सूडान की राजधानी क्या है, जूबा, और सूडान की राजधानी क्या है, खार्तूम। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये रोड कहां से कहां तक बनेगा, ये रोड बनेगा मलाकुल से मैलूत तक। नेशनल ऑब्जर्वर फॉर बॉक्सिंग के पद से किसने अभी अभी अपना इस्तीफा दे दिया है, ये है MC मैरी कॉम, 5 बार वर्ल्ड चैंपियन, 5 बार एशियन चैंपियन और 1 बार ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, मणिपुर की हैं MC मैरी कॉम। इनमें से कौन सा राज्य है जिसकी विधानसभा ने एक बिल पास करा है जिसमें यह कहा गया है कि पर्यावरण को स्टडी करने के लिए, पर्यावरण को उसका ज्ञान वर्धन के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी इस राज्य में, डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी पर्यावरण के लिए, एनवायरमेंट के लिए, ये अनाउंस हुआ है अभी अभी वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट द्वारा। और ये यूनिवर्सिटी बनेगी कहाँ पे, हुगली राज्य में, हुगली राज्य में बनेगी, और इसका नाम है वेस्ट बंगाल ग्रीन यूनिवर्सिटी बिल, और भारत का पहला राज्य है जहां पे एनवायरमेंट यूनिवर्सिटी बनेगी। इनमें से कौन से राज्य की जो विधानसभा है उन्होंने कापू रिजर्वेशन बिल पास करा है, इस राज्य में कापू जो कास्ट है उसे रिजर्वेशन आरक्षण देगी, ये किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने, 5% रिजर्वेशन कापू को मिलेगा।
और अब 55% हो गया है टोटल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रूल ये है 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और कापू जो कोटा है मंजूनाथ कमीशन ने रेकमेंड किया था आंध्र प्रदेश में, इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने अपना एक ऐप लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है डेटली, और ये डेटली ऐप है ये मोबाइल डेटा आपका सेव करेगा। इसको लॉन्च करने वाली कंपनी है गूगल। शेयर्ड वैल्यू समिट कहां पे हुआ, इसका थीम था एक्विटी एंड एम्पावरमेंट, ये नई दिल्ली के अंदर हुआ। भारत की तरफ से सुरेश प्रभु चीफ गेस्ट थे यहां पे। सुरेश प्रभु कौन है, हमारे वाणिज्य मंत्री कॉमर्स मंत्री हैं। तो ये था भाग दो। भाग तीन, बस 8 से 9 घंटे इंतजार करिए, भाग तीन भी आप तक आ जाएगा, और भाग जो दूसरे हफ्ते का भाग एक है वो भी आज ही के दिन आएगा, यानी कि कल सुबह और कल फिर शाम को। तो देखते रहिए स्टडी आईक्यू, और इस वीडियो के दौरान मैंने आपसे काफी क्वेश्चन पूछे उनका भी जवाब जरूर दीजिए, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।